आधे घंटे की सफर की हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सली अटैक हुआ है बिहार के लखीसराय में। नक्सली अटैक की खबर है। नक्सलियों की एक और खौफनाक करतूत है जो सामने आई है। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। पिछले 8 घंटे से दिल्ली कोलकाता रेलवे रूट बाधित हुआ पड़ा है, बंद हुआ पड़ा है। 8 घंटे से रेल यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। नक्सलियों ने स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर तांडव मचाया है। बिहार के लखीसराय में नक्सलियों का तांडव। रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है नक्सलियों ने। स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है और इसके बाद 8 घंटे से रेल यातायात ठप पड़ा हुआ है। और पिछले 8 घंटे से रेल यातायात बाधित होने से यात्रियों को भी काफी परेशानी आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली कोलकाता रूट पर ये तांडव मचाया है नक्सलियों ने। बिहार के लखीसराय से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाया है। 8 घंटे से रेल यातायात ठप हो गया है। नक्सलियों का यह अटैक, एक बार फिर से नक्सली तांडव देखने को मिला है। और लखीसराय से हमारे संवाददाता गोपाल इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, किस वक्त यह अटैक किया गया और ताजा अपडेट इससे जुड़ा और क्या है? बता देना चाहता हूँ कि देर रात्रि 8:05 पर नक्सलियों के द्वारा रेल ट्रैक को उड़ाया गया है और आगामी 17 तारीख को लोकसभा चुनाव होना है और इसी को देख करके लग रहा है कि नक्सलियों के द्वारा जो है ट्रैक उड़ाने की धमकी जो दिया गया है, कई जगह पोस्टर भी साट दिया गया जो सुबह पता चल पाया। हालांकि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय मालगाड़ी का इंजन का ट्रैक माल गैस उड़ने की बात आ रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन और स्थानीय रेलवे के द्वारा जो है वहाँ पे व्यवस्था नहीं होने के कारण देना। गोपाल, दिल्ली कोलकाता रूट काफी व्यस्त रूट है, ये अभी बाधित हुआ पड़ा है पिछले 8 घंटे से। क्या अपडेट क्या है, ये कब तक ये रूट चालू होगा? जी बिल्कुल, रूट की बात अगर कहते हैं, रूट चालू हो गया, लगभग 9 घंटे ट्रेन बाधित रही और अभी भी कई ऐसे ट्रेनें हैं जो संपूर्ण दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियां ट्रेन बाधित है, हावड़ा जाने के लिए ट्रेन बाधित है और कई रात 9 घंटे ट्रेन बाधित हो जाने का मतलब हाईवे नेशनल का ये रेल ट्रैक है और बहुत ट्रेनें जाम। रूट को दुरुस्त कर लिया गया है मतलब गोपाल? चलिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल, हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस रूट को दुरुस्त कर लिया गया है। चलिए बात करेंगे।